शहर के वार्ड नंबर 17 के कटरैया मोहल्ले के लोग पीने का पानी, जल जमाव व सड़क से परेशान हैं। पीने का पानी लोग एक दूसरे के घरों से मांग कर पीने को मजबूर हैं। वहीं जल जमाव और सड़क की समस्या केवल बरसात आने से ही शुरू नहीं होती, बल्कि पिछले कई सालों से बरकरार है, जिसके कारण यहां के रहने वाले करीब 5 से 7 हज़ार से ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानियों से निजात के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन समाधान के बजाय केवल आश्वासन ही मिला। शहरी क्षेत्र के कटरैया में नाला निर्माण का काम कई सालों से रुक रुक कर चल रहा है। हालांकि जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम की ओर से पानी निकालने का प्रयास मोटर पंप के द्वारा किया गया, लेकिन वह उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है। वहीं स्थानीय लोग वार्ड पार्षद से आक्रोशित हैं। देखिए बेटा, हमरे लोग के पानी का व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग डूब रहे हैं। हमारे रोड नाला बना दीजिए, पानी बगैर तरस रहा, पानी में डूब रहे हैं। पानी पीने को नहीं है? नहीं है। चलने के लिए पानी भरा हुआ है? भरा हुआ है। यहाँ पर रह रही है वहाँ पर पानी है? पानी पानी है, पानी है। पानी आप लोग पी नहीं सकते? पी नहीं सकते हैं। ए अल्लाह, हम झूठ नहीं बोलते, आकर के आप इनकारी कर लीजिए। अच्छा, कौन मोहल्ला है? कटरैया पोखर। कितना नंबर वार्ड है? 17 वार्ड है। इस वार्ड में कभी सूखा रहता है कि हमेशा पानी रहता है? हमेशा तो पानी रहता है, यही पोखर का पानी में गिरता है, सब तरफ का पानी भर जाता है। हम लोग डूबते हैं, चलने का रास्ता नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है, हम लोग घर में भूखा मरते हैं। क्या अच्छा पानी पीने की क्या है समस्या है? नहीं पानी मिलता है, कोई कोई गड़ाई हुआ है। सरकार द्वारा जो नगर निगम पानी पहुंचाती है नल जल के माध्यम, नहीं पहुंचाता, नहीं दो साल से पानी नहीं देता है, हम लोग तरस रहे हैं। चापा कल में पानी? चापा वो भी खराब है, देख लीजिए, हाँ सूख गया है। पानी की समस्या आप लोग को बहुत बहुत? हाँ, पीने के, चलने का नाला बना दीजिए, रोड बना दीजिए। पानी नाला पूरा पानी भरा हुआ? भरा हुआ है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम भुलरिया मुसोमात। 45 वर्ष। 45 वर्ष में आपको कभी कटैया साफ सुथरा नहीं मिला? ना, कभी ना। क्या कहते हैं, दरभंगा नगर निगम आप लोग के साथ सौतेला व्यवहार करता है? हाँ, बहुत करता है, बहुत जैबो करता है। गांव का लड़का लोग तो आवे ने आवे नहीं करता। अच्छा। पानी ला तरस रहे, हर लग घर के पास भी पानी लगा हुआ? हाँ, चलिए ना दिखा दे, वही घर है, वही घर है, वही वही दुकान है, घर है, पानी इतना के लगा चले लागे। समस्या पानी का भी सदा से वही लीला है, सदा हमेशा ही लीला है। इतना तहेल के जाए, अभी तो थोड़ा कम है ना, तो एक एक जांग हो जाता है पानी। आपका आपका भी यही समस्या मोहल्ले में? जी हाँ, हम यहाँ की बेटी है। अच्छा, आप यहाँ की बेटी है? जी, पूरे मोहल्ला में लिया है, तब से पानी है, पानी पानी ही पानी है, लेकिन वो पानी कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। पानी के काम की जरूरत का पानी है, वो पानी आप लोग को नहीं है, नहीं है। पीने की बड़ी समस्या है, पानी बहुत ज्यादा है। तो क्या कहना चाहती है दरभंगा नगर निगम से, पार्षद से, विधायक से, सांसद से, क्या कुछ मांग करना चाहती है? मांगिए जी, मतलब समरसेबुल यहाँ पे एक दरवा दे। चापा कल भी नहीं है, एक ही चापा कल है जो पूरे मोहल्ला के लिए है। रास्ता भी खराब है, नाला भी नहीं है, सब तो मिला हुआ है पोखर में, यही दिक्कत है। आप लोग पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद क्या बोलता है? कुछ नहीं कहते हैं, अभी भी देखे पास हो गए, रोक रहे थे हम लोग, नहीं रुके। चलो आते हैं, क्या बात करेंगे उनसे? पार्षद बात नहीं करना चाहते? जी नहीं, कुछ नहीं करते। क्या नाम हुआ आपका? अफसाना परवीन। आपका क्या नाम हुआ? रेहाना खातून। क्या कुछ पार्षद पे आपको क्या लगता है? आपकी पार्षद आप बात नहीं सुन रहा है या नगर कुछ नहीं कर रहा? जाता बुलाने तो देख लेता, भाग जाता, कुछ नहीं करता है। अब ये देख ना भागे। ये पानी की समस्या आप लोग को लगातार परेशान कर, बहुत परेशान करता, बहुत। तो क्या कुछ नगर निगम से क्या कहिएगा या विधायक से क्या कहिएगा कि नाला बना दे और पानी का व्यवस्था दे दे और सड़क बना दे, तीन चीज दे दे। अच्छा, आप लोग को पानी चारों तरफ से क्यों आ, यहाँ पे पानी आ जाता? नाला है भी नहीं, नाला है भी नहीं, चारों तरफ का पानी आता है, पोखर में गिरता है, वही पानी सब घरे घरे घुसता है। नहीं, निकले का पानी जाए जी।
पानी निकले का रास्ता ही नहीं है कहीं। पीने का पानी है? नहीं है, पीने का भी खाना मिल रहा है, पानी है नहीं, राशन पानी है, पानी है नहीं मिल रहा है। कहाँ से लाती हैं आप लोग पानी? मांग चांग के किसी किसी के अंगना घर से समर भाई इसको से लाते हैं, मांग के लाते, वो भी नहीं देता, एक दिन देता एक दिन नहीं देता। कितना दिन से आप लोग पानी मांग चांग करके? अब हम लोग तीन महीना चार महीना हो गया पानी मांगने का, हर साल में तालाब है इतना भरा, फिर भी चापाकल में पानी नहीं, क्यों नहीं आता है ऐसे क्या मालूम। रहे वो भी नहीं कुछ कर रहा है, ये जो नाला का पानी निकलने का पहले तरीका था वो नाला का पानी निकल जाता था जिस टाइम खरन जाता था, अब जब रोड बना इसको रोड बनने के बाद रोड डूब जाता है, अब पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है, चौबगल का पानी ही आता है डूब जाता है कटरिया पोखर। और इसको निकास बनाने के लिए जो ये नेता जो है बाढ़ कमीशन वो कुछ नहीं करता है, और ये नाला देखिए फिर कटरिया वाला में मिला रहा है। बोर्डिंग का क्या कुछ मामला है? ये बोर्डिंग का मामला भाई नेता जाने वो खोलवा के ये कर पानी भर रहा था चलता रहता वो SPI ये लड़का टिपवाई करा रखा था भर रहा था, कुछ समस्या दूर नहीं हो सब पानी इधर आता है पोखर। ये लोग बोर्डिंग जो चल रहा है लोग आप लोग अपना पर्सनल चलवा रहे हैं या नगर निगम? नगर निगम से चलता है। अच्छा, ये पानी निकल के कहाँ जा रहा है? ये दुनार वाला नाला। अच्छा, उसमें निकल रहा नाला में जाता है। एक ट्यूबवेल खराब है, हमने पार्षद को कंप्लेन की है कि ट्यूबवेल बना दीजिए, तो बोला कि हम नहीं बनाएंगे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नगर निगम में नहीं है, फिर भी हम नगर निगम को भी कह रहे हैं कि कम से कम आके हमारे गांव को कम से कम देखभाल करें, और रोड और नाला का बहुत विकास ही नहीं है, पानी का तकलीफ है। अभी जो आप चापाकल चला रहे हैं जी, जी पानी आ रहा है? नहीं आ रहे हैं। तो क्यों चला रहे हैं समझे? दिखा रहे हैं आप लोग के, देखिए पानी हम लोग तरफ रहे जी, पार्षद को दिखा रहे हैं, पार्षद जो है आके देख करता है बात मेहर को। ये ट्यूबवेल लगभग एक हफ्ता से खराब है, हम कह रहे हैं। अच्छा, ये ट्यूबवेल कितने लोग का सहारा था? ये ट्यूबवेल पूरे गांव का सहारा था, कम से कम 2000 का सहारा, 2000 आदमी उसमें से नहीं निकल रहा था पानी, अब कहाँ लेने जाइएगा? अब जाएंगे, बस जाएंगे, सब उघराए हुआ है, जहाँ किसी से मांग के ले लेंगे पानी, लोग आराम से पानी दे दे रहे हैं, दे दे रहे हैं, किसी तरह दे देते हैं, दो टाइम तीन टाइम टाइम टेबल से जिनको है वो दो तो एंटीन दे दे देते हैं, जो सन सब उघराए हुआ है तो मांग के ला देते हैं, उसी में शाम तक देते हैं समझे। कल जुमा था नहा नहीं, यहाँ पर एक समरसेबुल नहीं गराया, बताइए क्या करें हम लोग, किसके पास जाए पानी के लिए? तरफ से मांग पार्षद से, पार्षद से, विधायक जी से, और नगर निगम को कह रहे हैं कि एक कम से कम यहाँ पर जो है समरसेबुल गरा दीजिए, और नाला का रोड का विकास कर दीजिए, और ट्यूबवेल पे क्या ट्यूबवेल का यही कहना है, ट्यूबवेल को ठीक करा दीजिए। अच्छा, यही चीज मांग कर रहे हैं हम लोग का, ये सारी भीड़ जो है ये पानी के लिए, ये पानी के लिए आए हुए हैं, रोड नाली ये आते हैं चल जाते हैं, झगड़ा होता है पानी के लिए, मारपीट हो जाता है, होता है 200 घर में एक ही ट्यूबवेल है मात्र, अब यही सहारा था जो खराब हो गए एक हफ्ता से। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम हुआ असगर आलम। मेरे वार्ड में बहुत बहुत जल जमाव का बहुत समस्या है, और पानी को लेकर बहुत परेशानी आ रहा है, पूरे 200 घर है मेरे गांव में, प्लस एक ही कल है जो भी वो ख़राब हो चुका है, और प्लस हम DM से अनुरोध करते हैं कि जो ये जो वार्ड पार्षद है हमारा बहुत निकम्मा और बहुत कमज़ोर है, वो सीधे कह रहा है कि मतलब आपने वोट किसको दिया है उसके वोट के अनुसार हम काम करेंगे, ये वार्ड पार्षद जो है हमारा सबसे बड़ा चोर है और निकम्मा है, ये साफ साफ कह रहा है कि आप वोट किसको दिए हैं, जिस जो हारा है आप उस पार्टी को वोट दिए हैं, और जो जीता है उस पार्टी को आप वोट नहीं दिए हैं, इसलिए हम लोग आप लोग का काम नहीं करेंगे। वार्ड पार्षद हम हमारे लोग का 17 नंबर का विकास चौधरी है, विकास चौधरी। ये समस्या कितने दिनों से आप लोग? ये समस्या हम लोग 15-20 साल से झेल रहे हैं, 15-20 साल से झेल रहे हैं। कौन पार्षद थे आप? इससे पहले पार्षद अमोला महतो थे, द्वारा भी कोई काम नहीं हुआ, उनके द्वारा भी कुछ काम नहीं हुआ।